अच्छी जिंदगी दे, खुशहाली दे, बरकत दे, और मरने के बाद हमारा ठिकाना जन्नत। हम आखिरत में कैसे कामयाब होंगे, मरने के बाद हम कैसे कामयाब होंगे? तो दुनिया के अंदर जो अमल करते हैं उस बेस पर हम कामयाब होंगे। तो हमारा अमल आखिरत में कैसे फायदा पहुंचाएगा? जब हमारा अमल दो चीजों के मुताबिक होगा, एक कि जो कुछ भी नेक अमल करते हैं उसके अंदर इखलास हो। इखलास का मतलब ये कि उसके अंदर दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, शोहरत हासिल करना ना हो, बल्कि क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए काम किया जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको जिंदगी दी, उस मालिक हकीकी को खुश करना है। तो इस नियत के मुताबिक अगर अमल करेंगे तो हमारा अमल कबूल होगा। दूसरी चीज ये लाजिम और जरूरी है कि जो अमल करने जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हम और आप यहाँ बैठते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हम और आप कोई भी अमल करने जा रहे हैं तो वो हमारा अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। वो नबी जिसके हम और आप उम्मती हैं, जो आखिरी नबी और रसूल है, जिनके बाद कोई पैगंबर और नबी और रसूल नहीं आएगा, तो उनके अमल के मुताबिक या उनके फरमान के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमलों को कबूल करेगा। तो ये दो बुनियादी शर्त हैं हमारे अमल के कबूल होने के लिए। तो जो कुछ भी अमल करते हैं हम, तो हम ये दो चीजें जरूर देखें। एक तो हमारी जो नियत है वो सही होनी चाहिए, इखलास के साथ होना चाहिए, अल्लाह की रजा मतलूब है। दूसरी चीज वो अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने बुखारी की रिवायत पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपका किसने इनकार किया? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना, जो मेरे तरीके के मुताबिक चलेगा उसने मेरी इताअत की, फरमा बरदारी की, वो जन्नत में जाएगा। वमन असानी फकत अबा, और जो मेरे खिलाफ चलेगा, मैंने किसी काम के करने का हुक्म दिया उसको नहीं किया, उसके खिलाफ अमल किया, तो उसने मेरी नाफरमानी की और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और जहन्नम उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जन्नत के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मरने के बाद जो अमल अच्छा हम किए हैं अगर वो सही रहा तो अल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल करेगा, और जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो चीजें तैयार कर रखी है जिसको कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया की ऐशो इशरत बहुत मामूली है, लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में जो चीजें तैयार की है कोई इंसान सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। वहाँ हर तरीके का ऐशो इशरत, वहाँ हर तरीके के फल फ्रूट, वहाँ हर किस्म के मेवे, और इसी तरीके से वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ख्वाहिश जो भी उसकी मंशा उसकी चाहत होगी उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पे चीजों को तैयार कर रखा है। तो दुनिया की जिंदगी मामूली जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी जिसकी सारी जिंदगी दुखों में मुसीबतों में कट गई, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए मामूली सा जो भी मिल जाता खा लेता, मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, परेशानियां उठा रहा है, फिर भी उसे बहुत सारी चीजें मुयसर नहीं है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इस दुनिया में उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, नमाज पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, अपने हैसियत के मुताबिक सदका और खैरात करता रहा, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से मिलता रहा, एक दूसरे की खैरखाई करता रहा, हमदर्दी करता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने का उसका मकसद था, दुनिया में शिर्क नहीं किया, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं बनाया, किसी दूसरे के सामने सर नहीं झुकाया, अल्लाह के अलावा किसी से दुआ और फरियाद नहीं की, जो कुछ काम किया अल्लाह की रजा के लिए किया। दुनिया में बहुत तकलीफ है, बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानियां उठाई, लेकिन मर गया, इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खुश हुआ, इस बंदे ने दुनिया में भले तकलीफें उठाई लेकिन मेरे रजा के लिए, मुझे खुश करने के लिए अमल किया, तो अल्लाह ताला उसको क्या है, फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जन्नत की सैर करा के लेके आओ। तो उस बंदे को जिसको दुनिया में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए गजा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पापा में
बातें मुसीबतें परेशानियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह के साथ फरमाबरदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारा, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा जन्नत की सैर करा के ले जाओ, उसको फरिश्ते ले जाएंगे और जन्नत का एक गोता खिलाएंगे, सिर्फ मामूली सा एक झलक उसको दिखाएंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से पूछेगा कि अनेक बंदे ये बता, दुनिया में तुझे कोई तकलीफ देखी है? तो वो चंद लम्हों का, चंद मिनटों का जन्नत की नेमतें देखने के बाद दुनिया की सारी तकलीफें भूल जाएगा और कहेगा कि अल्लाह ये दुख और मुसीबत और परेशानी क्या मुझे मालूम है। दुनिया में जबकि सारी जिंदगी होकर के उठाता रहा, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, नमाज पढ़ता रहा, तौबा इस्तिगफार करता रहा, जिक्र अल्लाह करता रहा, नेकियां करता रहा, अल्लाह ताला उससे खुश हुआ, उसको जन्नत के अंदर दाखिल किया। तो जन्नत का एक मिनट का वो मजा चखने के बाद दुनिया की सारी मुसीबतें इंसान भूल गया, ऐसी जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिल करेगा, इंसान दुनिया की सारी तकलीफें भूल जाएगा। इसके बदला एक दूसरा इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत मान दिया था, बहुत सारी ऐशोशन की चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजे थी, दुनिया की हर ऐशो, गाड़ी घोड़ा बंगला घर बिल्डिंग सब कुछ, पहनने के लिए अच्छे अच्छे लिबास, खाने के लिए उम्दा गजाएं, सारी चीजें उसके पास थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, तौबा इस्तिगफार नहीं करता था, अच्छे अमल नहीं करता था, उसका भी इंतकाल हो गया, वो भी मर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ताल्लुक से हुक्म दिया, इस बंदे को ले जाओ और जहन्नम का एक गोता गिरा के जाओ, चंद मिनट जहन्नम में गुजारने के बाद उसके बाद ले जाओ। उस बड़े इंसान को जो दुनिया में बहुत सेठ कहलाता था, बड़ा इंसान कहलाता था, फरिश्ते ले जाएंगे और जहन्नम में उसे गोता गिराएंगे और उसके बाद उसके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने लेकर के उसको खड़ा करेगा और पूछेगा, अरे बंदे ये बता, दुनिया में तुमने कोई ऐशोशन की चीज नहीं देखी है? कोई सुकून भी तुमने दुनिया के अंदर हासिल किया है? वो चंद मिनट जहन्नम का गोता खाने के बाद क्या कहेगा कि अल्लाह खुशी कैसी होती है, आराम कैसा होता है, ये मुझे पता ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि सारी जिंदगी हमारी दुखों में मुसीबतों में कट गई। तो जहन्नम का एक मिनट का उसे क्या है, वहां का गोता खिलाना और वहां की चीजों को दिखाना, इंसान दुनिया की सारी ऐशोशन को भूल जाए। क्यों? जहन्नम की आग बहुत तेज है, फरमाते हैं कि 3,000 साल तक जहन्नम की आग को तेज किया गया, भड़काया गया, 1,000 साल तक उस आग को जलाया गया तो क्या हो गया, बिल्कुल वो लाल हो गया। 1,000 साल तक और मजीद जलाया गया तो वो सफेद हो गई, 1,000 साल तक और जलाया गया उस आग को तेज किया गया तो बिल्कुल वो काली भुजंग हो गई और उसी हालत पर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर जहन्नम की एक चिंगारी दुनिया के अंदर दिख जाए पूरी दुनिया जलकर खत्म हो जाए। उस आग के अंदर उन लोगों को जो नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते और दुनिया में ऐशोशरत करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, दुनिया में जिंदगी में मगन है, अल्लाह को याद नहीं करते, तौबा इस्तिगफार नहीं करते, नेकियां नहीं करते, अच्छाइयां नहीं करते, ऐसे लोगों को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। और ये नहीं, वहां सांप होंगे, बिच्छू होंगे, एक सांप इतना जहरीला कि अगर वो फुनकार मारते हैं तो उसकी जहर से क्या है पूरी दुनिया में कोई गल्ला ना मिले, इतने खतरनाक बिच्छू होंगे, इतने जहरीले कि उनका जहर अगर दुनिया में चमक जाए तो दुनिया का मजा पर मजा होगा। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पे अंधे और बहरों को फरिश्ता फरिश्तों को तैयार कर रखा है, जिनके हाथ में बड़े बड़े हथौड़े होंगे, जिससे इंसान को मारेंगे, इंसान चीखेगा चिल्लाएगा रोएगा कहेगा, लेकिन वहां कोई बचाने के लिए काम नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर अच्छा अमल करते हैं, यही अमल हमको वहां जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। तो अल्लाह ने हम और आपको जो जिंदगी दी है, खाने पीने के लिए भले ज्यादा ना मिले कोई बात नहीं, पहनने के लिए मामूली कपड़े मिले कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर इस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने के बाद हमसे खुश हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम ना करे, ऐसा काम करे जिससे अल्लाह खुश हो जाए, नमाजें पंच वक्त पढ़े, ज्यादा नवाफिल का एहतमाम करें, तौबा इस्तिगफार करें, अस्तगफुरुल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु वल मुल्कु वल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इन कलिमात का वर्द करें, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बार बार पढ़ते रहें और दुनिया में रह करके
अल्लाह रब्बुल आलमीन से आमदन की कामयाबी के लिए दुआ करते रहे और कोई भी काम जिससे अल्लाह नाराज हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब बनता हो उससे दूर रहे, कोई गुनाह का काम ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह नाराज हो, जैसे इश्क करने से अल्लाह नाराज होता है, कुफ्र करने से अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह की नाफरमानी होने तो अल्लाह नाराज होता है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। तो ऐसी चीजों से अपने आप को बचाएं और वो काम जो अल्लाह खुश होता है जैसे नमाज पढ़ना, तौबा इस्तिगफार करना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह ने तौफीक दी है तो फिर क्या है अपने हिस्से के मुताबिक अल्लाह के राह में खर्च भी करना, नेकियां करना, एक दूसरे की हमदर्दी करना, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल करना, ये ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद पसंद करता है। ऐसे अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होगा और हमको मरने के बाद जन्नत देगा। जिसको मरने के बाद जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में उसको दाखिला मिल जाए समझ लो कामयाब हो गए। तो असल हमारी कामयाबी जन्नत में जाने के बाद है। दुनिया के अंदर हम रह करके हमें चाहिए कि अच्छे अमल करें, बुराइयों से गुनाहों से अपने आप को बचाएं। सच्ची दुनिया हमको ज्यादा नहीं मिली है, कोई बात नहीं, उसकी फिक्र ना करें, क्योंकि असल जिंदगी तो हमारे मरने के बाद की जिंदगी है, जो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी होगी, हमेशा हमेशा वाली जिंदगी होगी। तो अगर वो जिंदगी हम कामयाब कर लिए या अच्छा बना लिए तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई फिक्र हमें नहीं है, क्योंकि हम इंसान को तो 60-70 साल 100 साल जिंदा होकर के मरना ही है। चार अगर अच्छे गुजर गए तो 4 मुसीबतों में गुजर जाएंगे, लेकिन हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह की नाराज हो और हमें जहन्नम में जाना पड़े। तो हम जन्नत में अगर अपना ठिकाना बना लें तो समझ लो कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह आज से यह हद कर लें, दिल में बिठा लें, सच्ची नियत कर लें कि हम अल्लाह उसके रसूल के सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, पंजुक्ता नमाजें पढ़ेंगे, दुआओं का अहतमाम करेंगे, तौबा इस्तिगफार का सिलसिले करेंगे और सुन्नो और सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे कलमात तक क्या है उसकी हाज उनको खाया था उनका जिक्र करेंगे, उनको बार-बार पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, बुराई का अमल नहीं करेंगे, गुनाह का अमल नहीं करेंगे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए। तो इसलिए जब कुछ जल्दी बातों पर अपनी बातों को खत्म करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ के साथ बुला लगे सबको दुनिया के अंदर तक जिंदा रखे, ईमान सेहत आफियत के साथ, आफियत के साथ अमन के साथ जिंदा रखे, और अल्लाह हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खात्मा करे हमारी मौत आए तो ईमान पर हम सबका खात्मा हो, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में दाखिल करे। आमीन। अल्लाह Thank you.
أشرف الذين خلت فينا والفضل ثم لا يموت فينا ولا يحيى Thank you.